हिरणय नदी पर अस्तित्व संकट, अगर नहीं चेते तो समाप्त हो जाएगा नवगछिया का सबसे बड़ा जल संचयन केंद्र। नदी का अतिक्रमण परवान पर तो दूसरी तरफ कचरा डंपिंग जोन बन गई है हिरणय। नवगछिया की आंचलिकता से है हिरणय का जुड़ाव। नवगछिया शहर की आंचलिक संस्कृति का जब कभी भी जिक्र होता है तो हिरणय नदी को लोग जरूर याद करते हैं। हिरणय ने नवगछिया को बहुत कुछ दिया, आज भी ये नदी किसी को नाराज नहीं कर रही। लेकिन आज ये नदी अपने अस्तित्व को लेकर जद्दोजहद कर रही है। कभी स्वच्छ और धवल आंचल वाली हिरणय आज मैली हो गई है। कई जगहों पर तो ये नदी पाताल की ओर रुख कर चुकी है। हिरणय की कहानी ज्यादा समय पहले की बात नहीं है, महज 60-70 वर्ष पहले इस नदी का जुड़ाव कोसी की मुख्य धारा से था। कालांतर में बांधों के निर्माण के कारण ये नदी कोसी की मुख्य धारा से कट गई। मील टोला से मखाताकिया होते हुए नवादा तक करीब 1 किलोमीटर तक कोसी की मृत हो गई धारा को लोग हिरणय नदी के रूप में जानते हैं। मील टोला से ये नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और पुराने एक्सचेंज ऑफिस के पास यू टर्न होकर दक्षिण से उत्तर बहने लगती है। फिर मखातकिया में ये पूरब से पश्चिम प्रवाह करती है। भागलपुर जिले के विभिन्न शहरी क्षेत्र की बात करें तो इतना बड़ा जल संचयन का स्रोत कहीं नहीं है। इस नदी में आज भी पूरे वर्ष पानी रहता है। यही कारण है कि नवगछिया शहर का आज भी वाटर लेवल काफी अच्छा है। हिरणय दुर्दशा की कहानी। कालांतर में आबादी बढ़ने के साथ ही हिरणय नदी के तटों का हर जगह बड़े भूभाग पर अतिक्रमण हो गया है। यहाँ तक कि लोग बहती नदी में भी पिलर बनाकर भवन खड़ा कर चुके हैं। दूसरी तरफ विगत 5 वर्षों में ये नदी कचरा डंपिंग जोन बन गई है। नगर पंचायत द्वारा शहर का कचरा इस नदी में भी डंप किया जा रहा है। वर्तमान में भी नदी के तटों पर कचरे को डंप कर जलाने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरह शहर के कई नालों और शौचालयों के मलमूत्र का प्रवाह भी नदी में ही किया जा रहा है। इस कारण नदी का पानी काला पड़ रहा है और ये मवेशियों के उपयोग के लायक भी नहीं बच पाया। लंबे समय से उठ रही है जीर्णोद्धार की मांग। लंबे समय से हिरणय नदी को जीर्णोद्धार किए जाने की मांग उठती रही है, लेकिन अब तक किसी भी सक्षम लोगों का ध्यान इस ओर नहीं गया। एक बार फिर स्थानीय लोगों ने नदी के अतिक्रमण का मामला उठाते हुए पदाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। नवगछिया के स्थानीय लोगों, जिला मंत्री मुकेश राणा, आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव, फाइटर जेम्स, सीएनजीएन के मीडिया प्रभारी अशोक केड़िया, भाजपा मंडल महामंत्री प्रवेश यादव आदि ने कहा कि अगर नदी का जीर्णोद्धार कर सौंदर्यीकरण किया जाए तो हिरणय नदी को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। मखातकिया से नवगछिया स्टेशन जल यातायात मार्ग को विकसित किया जा सकता है। हिरणय में नौका विहार की भी अपार संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो नवगछिया के लिए ये बड़ी उपलब्धि होगी। जरूरत पड़ी तो करेंगे रीट। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मुकेश कुमार ने कहा कि हिरणय की दुर्दशा को देखकर वो मायूस हो जाते हैं। एक तरफ सरकार जल जीवन हरियाली को अभियान के रूप में लेकर कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है, दूसरी तरफ इतने बड़े जल संचयन का स्रोत बर्बाद होने की कगार पर है। वे मामले से संबंधित पदाधिकारियों से अवगत कराएंगे और जरूरत पड़ी तो उच्च न्यायालय में रीट भी दाखिल की जाएगी। नवगछिया के लिए लाइफलाइन है हिरणय। रूरल वाटर सोसाइटी के संस्थापक सदस्य तिलका मांझी, भागलपुर विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर अशोक कुमार झा ने कहा कि हिरणय नदी नवगछिया के लिए लाइफलाइन है। हिरणय के कारण ही नवगछिया का वाटर लेवल काफी अच्छा है, लेकिन वर्तमान में पूरे शहर का कचरा इस नदी में बहाया जा रहा है, जिससे कई विषैले पदार्थ नदी के जल में घुल गए हैं। इससे वातावरण प्रदूषित होने की संभावना प्रबल हो गई है, तो दूसरी तरफ इस नदी के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है, जो नवगछिया वासियों के लिए
अच्छा नहीं होगा। कहते हैं SDO नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी इंजीनियर अखिलेश कुमार ने कहा कि खिरना नदी के अतिक्रमण से संबंधित शिकायत उन्हें प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में नवगछिया के CEO स्थलीय जांच कर रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। कहते हैं SP नवगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि खिरने का अगर सौंदर्यीकरण किया जाए तो यहां पर्यटन की अपार संभावना है। ये नवगछिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। नवगछिया शहर को एक वैकल्पिक मार्ग भी मिलेगा और जो नदी किनारे होते हुए मखादकिया से स्टेशन आसानी से मार्ग बनाया जा सकता है, तो जल मार्ग को भी विकसित किया जा सकता है। अतिक्रमण की बात पर उन्होंने कहा कि अगर नदी का अतिक्रमण किया गया है तो उसे हटवाया जाएगा। मुरली गांव के छात्र नीलेश ने सैनिक स्कूल की परीक्षा में बाजी मारी। रंगरा प्रखंड के मुरली निवासी प्रदीप कुमार सिंह के पुत्र नीलेश कुमार ने सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में बाजी मार ली है। नीलेश का चयन सैनिक स्कूल नालंदा में हुआ है। छात्र नीलेश नवगछिया के आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय नयाटोला का छात्र है। सैनिक स्कूल की परीक्षा में सफल होने पर विद्यालय के संचालक पंकज कुमार और विद्यालय के प्राचार्य दीपक कुमार ने शुभकामना देते हुए नीलेश के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सर्दियाँ इलाज माला पहनते हैं गैस्ट्रिक ब्लड प्रेशर गठिया पाइल्स सहित सैकड़ों बीमारी से पाए निजात। होगा सफल इलाज नहीं तो पैसे वापस। मात्र 72 घंटे में असर शुरू। कीमत मात्र 2100 रुपए। फोन कर अभी ऑर्डर करें, घर बैठे प्राप्त करें। संपर्क सूत्र 9031560165 9431884830। रंगरा थाने के चौकीदार को मिल रही है गोली मार देने की धमकी। नंबर बदल बदल कर लगातार धमकी दे रहे हैं अपराधी। रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी रंगरा थाने के चौकीदार शत्रुघ्न हरिजन को अलग अलग नंबरों से गोली मारकर हत्या कर देने की धमकी मिल रही है। आजिज होकर चौकीदार ने अपना मोबाइल बंद कर लिया है। शत्रुघ्न ने बताया कि बुधवार को सुबह से ही उसे फोन पर भद्दी भद्दी गाली घर पर चढ़कर गोली मार देने की धमकी मिल रही है। फोन करने वाला कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता है और लगातार अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। मामले की मौखिक सूचना रंगरा के थानाध्यक्ष को दे दी गई है। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। सधुआ गांव से 2 वारंटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने सधुआ गांव में छापेमारी कर 2 फरार वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार वारंटी सुधीर कुमार मंडल और टुनटुन कुमार मंडल है। थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रंगरा PHC में 100 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। रंगरा PHC में बुधवार को 100 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। जानकारी देते हुए PHC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि PHC में इन दिनों 45 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आधार कार्ड लेकर आने की अपील की गई है। दूसरी तरफ वैसे लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज लिया है, वैसे लोग फर्स्ट डोज लेने के 28 से 45 दिन बाद दूसरा डोज अवश्य ले लें, नहीं तो उनके वैक्सीनेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मास्क नहीं पहने कुल 16 लोगों से पुलिस ने वसूल किया 800 रुपये जुर्माना।
रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर मास्क जांच अभियान चलाकर मास्क नहीं पहने कुल 16 लोगों से 800 रुपये जुर्माना वसूल किया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि थाना क्षेत्र के विभिन्न लोगों को मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने का निर्देश दिया गया है। आज की खबर में बस इतना ही, धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो GS न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट